तो क्या हाल है गाइस, दिल्ली दर्शन के थर्ड एपिसोड में आज मैं आपको लेके जा रही हूँ दिल्ली के इंडिया गेट, जो कि है एक वॉर मेमोरियल। शायद कम लोगों को पता होगा, इसको बनवाया था उन 84,000 ब्रिटिश इंडियन आर्मी के सोल्जर्स की याद में जो शहीद हुए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। इस 42 मीटर ऊंचे इंडिया गेट को डिज़ाइन किया था सर एडविन लुटियंस ने, और 12 फरवरी 1931 को लॉर्ड आर्विन ने इसे इनोग्रेट किया था। गाइस, जिस अमर जवान ज्योति को आप इसके अंदर जलते हुए देखते हो ना, वो इंडिया गेट के अंदर बाद में ऐड हुई थी व्हेन इंडिया गॉट हिज इंडिपेंडेंस। क्या आपको इंडिया पाकिस्तान का युद्ध याद है 1971 का, जब जिसमें काफ़ी सारे इंडियन सोल्जर्स शहीद हुए थे, उनकी याद में ये फ्लेम दिन रात जलती है। अब बात यहाँ तक पहुँचने की भी कर लेते हैं, तो भैया ये पड़ता है राजपथ पर और नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है प्रगति मैदान और केंद्रीय सचिवालय। यहाँ पे फोटोग्राफी का कोई पैसा नहीं लिया जाता, फ्री ऑफ चार्ज है। किसी भी प्रकार की कोई एंट्री पे चार्ज नहीं होता है। यहाँ पे आप जब चाहो, दिन हो या रात हो, आप यहाँ पे जा सकते हो। ऑल डे ओपन रहता है। टाइमिंग की बात की जाए तो डे टू नाइट आप कभी भी जा सकते हैं, बस नाइट के टाइम में आप अपने साथ अपने व्हीकल के प्रॉपर डॉक्यूमेंट लेके जाना, क्योंकि वहाँ पे ना चलान बहुत करते हैं। बस जब भी कुछ कंस्ट्रक्शन होता है ना, इसके पास विजिट नहीं करने दिया जाता, और रीज़न है सेफ्टी पर्पस। इसकी वजह से आपको थोड़ा दूर रखा जाता है। वैसे आप इंडिया गेट को दूर से भी देख सकते हो, वो दूर से भी इतना सुंदर लगता है जितना पास से लगता है। यहाँ पे आपको खाने की काफ़ी सारी डिशेस मिल जाएंगी। वैसे वहाँ कैफे तो है नहीं, बट टेस्ट किसी होटल से कम भी नहीं है। जो लोग वहाँ अपने छोटे छोटे स्टॉल लगा के रखते हैं ना, जो लोग अपनी साइकिल पे भुजिया देते हैं, गर्मियों में जलजीरा देते हैं, और भी कई तरह की चीज़ें, दैट्स द टेस्ट ऑफ इंडिया। तो जाइए और विजिट कीजिए इस शौर्य और पराक्रम के इस मॉन्यूमेंट को। तब तक के लिए जय हिंद। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, ना आए तो शेयर कीजिए, और अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। चलो अब मैं चली, टाटा बाय बाय।